सर हम बैंक में जाते हैं तो देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्ची नहीं भर पाते हैं, तो किसी दूसरे से पर्ची भरवाते हैं। वो तो अक्सर ना कर देता है, उसको लगता है कि हम उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस एहसान से बचें और अपनी पर्ची खुद भरें। अगर आज ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आप अपनी पर्ची खुद भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ब्रांच का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आज की डेट लिखनी है जिस डेट पर हम पैसा लिखवाना है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद हमें अपना नाम लिखना है, और फिर उसके बाद हमें कितना पैसा जमा करना है हमें उसको लिखना है। पहले शब्दों में लिखना है, फिर उसके बाद अंकों में लिखना है, उसे चाहे आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। उसे अंकों में भी लिखना है। फिर हमें अपनी सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद किस ब्रांच में जमा करना है उस ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद हमें बगल वाली पर्ची भरना है जो कि हमें बैंक मोहर लगा के वापस कर देगा एक प्रूफ के तौर पर कि हमने पैसा जमा किया या नहीं। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ डेट लिखनी है किस डेट पे पैसा निकाल रहे हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है, उसके बाद अमाउंट लिखना है कितना अमाउंट हमें जमा करना है। पहले शब्दों में लिखना है, शब्दों में आप चाहे तो उसे हिंदी में लिख सकते हैं, फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हमें कितना पैसा जमा करना है वो लिखेंगे अंकों में। उसके बाद अगर हम चेक से पैसा निकाल अब अगर उसके बाद हम चेक से पैसा जमा कर रहे हैं तो हमें चेक नंबर डालना होगा और चेक को इसके साथ लगा कर जमा करना होगा। ये हम चेक नंबर लिख रहे हैं क्योंकि हमें चेक से पैसा जमा करना है और अमाउंट लिखने के लिए अमाउंट की चेक है। उसके बाद चेक के साथ इसको जमा कर देंगे, फिर हमारा चेक क्लियर होकर हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी